नमस्कार। योगी मिश्रा का इनसाइट झारखंड की ओर से, और बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है कि साउंड नहीं आ रहा है, पिक्चर नहीं ठीक है। तो हमसे तो जो बनता है बन पा रहा है। हमारे टेक्निकल डायरेक्टर भी नमस्कार बोल रहे हैं, और वो भी बोल रहे हैं कि सब कुछ तो यहाँ ठीक ठाक है, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या गड़बड़ी हो गई है। तो जो जीर्ण शीर्ण है मैं दे रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। थोड़ी कष्ट तो हो सकती है आपको, लेकिन मेरा पैसा पर्पस तो पैसा कमाना इससे कभी नहीं था, ना आज भी है। पर सिंपली आई वॉन्ट टू शेयर माई नॉलेज विथ यू सो दैट एस्ट्रोलॉजी कैन बी मेड ईजी एंड पॉपुलर अमंग पीपल, और लोगों को ये ना लगे कि होक्स है। आजकल तो लोगों की मति गति क्या है, लोग अपने एग्जिस्टेंस को भूल रहे हैं, माँ बाप के एग्जिस्टेंस को भूल रहे हैं, भगवान को भूल रहे हैं, धरती को भूल रहे हैं। मेरे भी एक चाचा जी थे चचेरे, वो कम्युनिस्ट हो गए थे, कम्युनिस्ट ही थे वो, कट्टर। तो मैं उनसे छोटा था ना, बचपन में हमने करके बाजार चला जाता था कुछ खरीदने के लिए, टॉफी या कुछ। तो हमें कौतूहल बस पूछता था कि आप ईश्वर को बोलते हैं कि आप ईश्वर की पूजा पाठ नहीं करते हैं ना कुछ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हो, भागलपुर मिस स्कूल में था मैं, तो वहाँ पढ़ रहे हो तो तुम क्या सीख रहे हो गॉड के बारे में, कि गॉड नहीं है, गॉड के सन जीसस क्राइस्ट हैं, वो धरती पर आए हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, कल्याण करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, लोगों में शांति धीरज ज्ञान। तो उसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का ये विचार है कि भगवान होते नहीं हैं, जितने अच्छे लोग हैं सभी भगवान हैं। भगवान को बोल करके इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है हिंदू धर्म में कि मतलब उसमें तो अपने भाषा में बोले कि बड़ा असमंजस है, समझ में नहीं आता है, पंडित जी क्या क्या पढ़ा के चले जाते हैं। तो उस कन्फ्यूजन से बढ़िया कोई भगवान को ना मान करके अच्छे बात व्यवहार ज्ञान चर्चा दूसरों की भलाई यही करना, इसी को कम्युनिस्ट बोलते हैं। जब थोड़ा बड़ा हुआ था तो मालूम पड़ा कि एक कॉम्यून में रहने वाले सभी कॉम्युनिस्ट हैं, और एक कॉम्यून में जो लोग रहेंगे जिसकी जो नीड है वो पूरी कर दी जाएगी, जिनकी जो ज़रूरतें हैं, चाहे किसी की ज़रूरत 100 रुपये की हो, किसी की ज़रूरत 2 रुपये की है, तो उनसे 2 रुपये उनको दिया जाएगा, जो 100 रुपये की जिनको ज़रूरत है उनको 100 रुपया दिया जाएगा, और जिनकी कार्य करने की क्षमता 4 घंटे की है उनसे कार्य 4 ही घंटे लिया जाएगा, जो 10 घंटा कर सकते हैं उनको 10 घंटा भी उनसे काम लिया जाएगा। मतलब जिसकी जो क्षमता, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आनंदपूर्वक गिरने की एक कला है। और वो हम लोगों को भी भा गई थी कि इनके विचार तो सही है, लेकिन पारिवारिक बात और है। जब हमारे यहाँ छठ वगैरह पूजा होती थी, उनकी पत्नी बहुत धार्मिक थी, छठ पूजा वगैरह करती थी चाची हमारी, लेकिन चाचा जी उस दिन अपने घर नहीं रहते थे, घर से बाहर रहते थे। पूजा वूजा हो जाता था तो एक दिन के बाद घर पहुँचते थे। तो सबकी अपनी मान्यता है, लेकिन उन्होंने कभी घृणा तो नहीं किया कि आप अच्छे आदमी हो तो मैं प्रणाम कर रहा हूँ, बुरा आदमी है तो मैं उसको जीवित नहीं रहने दूंगा, मार दूंगा, ऐसी तो बात नहीं थी। तो कहीं घृणा का तो उपदेश नहीं था किसी भी धर्म, किसी पार्टी, किसी जाति, किसी इसमें। और हम लोग के जमीन के पूरे देखरेख करने वाले हमारे एक मुस्लिम ही थे और बहुत अच्छे आदमी थे,
मैं कहूँ तुम मेरे घर में बाबा के बाद यदि किसी की बात चलती थी तो उन्हीं के चलते थे। तो हम लोग को भेदभाव कभी समझ में नहीं आया। जब ईद का या और भी कुछ लगता था तो हम लोग भी जाते थे मेला घूमने। तो धीरे धीरे जो लर्नेड डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं विद्वान लोग, उन लोगों ने ये भ्रम फैला दिया, ये अच्छा है बुरा है, इसको जीने का अधिकार है, उसको मरने का अधिकार है, उसको मारने का अधिकार है, उसको दुलार करने का अधिकार है। अब इन लोगों ने अपने मन से मैन्युफैक्चर कर दिया। जो भी हो, पार्टी विहीन बात कर रहा हूं मैं, तो कभी कभी मन बड़ा बहुत दुख में चला जाता है, बहुत दुख में चला जाता है। और मैंने आगे भी कहा कि मेरी जो पार्टी थी, मेरे पापा बहुत सात्विक कांग्रेसी थे, बहुत सात्विक। यद्यपि कांग्रेस फीजे में उनको बम बनाने वगैरह की भी कला आई थे चंपारण में कांग्रेस के आश्रम के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे, लेकिन मैं हाथ उठाकर बोलता हूं कभी किसी के मन में कोई दुर्भावना नहीं रहती थी। दूसरे पार्टी के भी लोग आते थे तो बोलते थे मिश्री जी आज अपने के यहाँ डेरा हो जिम, अब मतलब आप ही के यहाँ खाना खाएंगे, आपके यहाँ ठहरेंगे मिश्री जी, दूसरे दिन आज चले जाएंगे साइकिल पर अपना बुढ़िया बिस्तरा बेचारे बांध के आते थे, याद है हमको, आराम से आश्रम में रहते थे, सुबह अपना नहाए खाए पिए नाश्ता के चले गए। तो स्नेह प्रेम का युग था, अब तो संदेह का युग आ गया। चलिए मैं एस्ट्रोलॉजी के संबंध में बोल रहा था, लोगों को एस्ट्रोलॉजी से ज्ञान और नफरत ना हो इसलिए मैं इसको पॉपुलराइज करना चाहता था। एस्ट्रोलॉजी का मेरा पर्पस ये था और इसको उपयोगी साबित करना चाहता था कि ये उपयोग की चीज है। अब जैसे किसी की कुंडली में चार नंबर में मंगल हो तो आप निश्चित होकर के कह सकते हैं इनके छाती में रोग होगा, नहीं है तब भी होगा, अंततः हो ही जाएगा और आप देखेंगे ऐसा हुआ तब तो विश्वास होगा। किसी का सूरज नीच का है, राजा का बेटा हो भिखारी का बेटा हो तो एक आध बार तो हड्डी चटकेगी, फ्रैक्चर तो होगा, और जब कोई बड़े ऊंचे पद पर होंगे तो बदनाम भी होंगे, होगा ही, कुछ नहीं होगा तो फिर किडनी से संबंधित बीमारी भी हो जाएगी। तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड चीज सरल भाषा में यदि लोगों को बताया जाए तो लोगों को समझ में आएगा कि यदि ज्योतिष सत्य है तो वेद सत्य है, वेद सत्य है तो पुराण सत्य है, पुराण सत्य है तो ईश्वर सत्य है जिन्होंने सृष्टि को बनाया। अब एक ही परिवार में है, किसी को चावल अच्छा लगता है, किसी को रोटी अच्छा लगता है, तो किसी को और भी कुछ अच्छा लगता है, तो सभी आदमी एक ही ढंग से पूजा करेंगे ये भी तो आवश्यक नहीं है। कोई माला लेके बैठते हैं, कोई अपने मन में ही मन में चुपचाप से जप लेते हैं, कोई लोग सुबह उठते हैं ऑफिस जाने के पहले कहीं तो कहीं सर झुका के चलते हैं कि भगवान आपके सेवा में जा रहा हूँ, आपने जो कर्म दिया करने जा रहा हूँ, कृपया मदद कीजिएगा, गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा तो नहीं कहा जाता कि यही करना है वैसे ही करना है, यही करो वो करो, थोड़ा दुखद है। तो ज्योतिष को मैं पॉपुलराइज करना चाहता था ताकि लोगों के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो और हर लोग इसको समझ लेगा तो एक दूसरे को मदद करने के लिए भी तो तैयार रखे।
आज कुछ बातें बताऊंगा, एक छोटा सा टिप्स दूंगा ताकि आपको कुछ चीज़ें धीरे धीरे जो लोग नहीं भी सीख रहे हैं, नहीं भी जानते हैं, उनको मालूम हो कि हाँ, दिस इज़ अ लैंग्वेज ऑफ गॉड। ईश्वर हम लोगों से दो तरह से बात करते हैं। ईश्वर हमसे बात करते हैं, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। टू सिस्टम्स, दो तरीका है भगवान को हमसे बात करने का। एक तो भगवान सपने में आ जाते हैं, गुरुजन सपने में आ जाते हैं, दुष्ट जन भी सपने में आ जाते हैं। तो भगवान सपने में आके बात करते हैं, ये एक। दूसरा, भगवान धर्म से बात करते हैं, ज्योतिष के जरिए बात करते हैं, ज्योतिष के जरिए बात करते हैं, ये दूसरा तरीका है। और धर्म का मार्ग बड़ा सरल है, भक्ति मार्ग सबसे सरल है और ज्ञान मार्ग सबसे कठिन है। अनेक कहा गया है कि यदि सात समुद्रों और सातों समुद्र में एक एक इंच में घड़ियाल मुंह बाए हो, तो एक आदमी इधर से सातों समुद्र पार करके जब उस पार पहुंच जाएगा और बच गया तो वही ज्ञानी है। बहुत कठिन है ज्ञान मार्ग, उसमें बहुत सारे तर्क, मीमांसा, विचार सब कुछ आता है। और ज्ञान मार्ग में निगेटिव तर्क, किसी चीज को भी तर्क के द्वारा आप उस देर के लिए किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं। तो ज्ञान मार्ग में तर्क एक दुश्मन है, ऑब्स्ट्रक्शन है। भगवान को किसने देखा, कब देखा, कौन सा आदमी था, किस साल देखा गया, भगवान को किसने देखा कि उनका नाक ऐसा है, कमल कैसा, उनके पद चिन्ह है, हाथ मत्सा मधुरम मधुराधिपते, जो है ना कुछ चीजें। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारी शिक्षाओं के साथ, ज्ञान विज्ञान के साथ, अध्यात्म का भी ज्ञान है, तो पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ, शिक्षा दी जाती है अध्यात्म की। ये अध्यात्म एकदम अलग है इस भौतिक ज्ञान से, एक दूसरे से कोई कनेक्टेड नहीं है। अध्यात्म का ज्ञान मन से है, चेतना से है और आत्मा से है। ज्ञान जो है मन, चेतन और आत्मा, तीनों को जोड़ता है। और तब जब आपकी भीतर की इंद्रियाएं खुल जाती हैं ना, तो आप बहुत कुछ देख सकते हो, बहुत कुछ देख सकते हो जो लोग दूसरे नहीं देख सकते हैं। आंख खोल करके जो देख रहे हो, आंख बंद करके भी कुछ देखा जा सकता है, नहीं तो आंख बंद करके सपना कैसे देखते हो फिर? आंख बंद करके यदि देखा नहीं जा सकता है तो आंख बंद करके सपना कैसे देखते हो? और सपना में लोग वही देखते हैं जो खुली आंखों से देख चुके हैं, कि काशी की इन गलियों से भटक रहा हूं। और कभी तो आप काशी गए हुए हैं इस जन्म में, नहीं तो पिछले जन्म में भटके हुए हो, घूमे हुए हो, एक एक पत्थर को पहचानते हो, तभी आपकी अंतर मन की आंखें उसको जोड़ सकेंगे। इसलिए सपना में ईश्वर बात करता है, स्वप्न में। मेरी बातों को परखना चाहते हो तो आप अपने माथा के नीचे सोते समय एक तकिया के नीचे एक छोटा सा पेंसिल और एक डॉट पेन और एक डायरी रख लो। कारण कि सपना मुश्किल से 30 सेकंड्स 1 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा देर का होता ही नहीं है। लेकिन उस देर में आप क्या क्या देख रहे हो, कहाँ कहाँ चले जा रहे हो, बात होती है। तो यदि कुछ ईश्वर का सपना देखो, आप लगे कि ईश्वर या ईश्वर से प्रेरित कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो नींद टूटती है तो लिख लीजिए कुछ भी देखा है अनाप शनाप। फिर कभी दूसरी बार आप देख रहे हो
तो फिर वैसे लिख डालो जो भी आप देख रहे हो, उल्टा पुल्टा अबोल तबोल कुछ भी लिख डालो जो है देखे हो। तीन चार बार जब चारों सपना को पढ़ करके मिलाओगे तो देखोगे इसमें कुछ एक बात कॉमन है, और वो कॉमन बात ही ईश्वर की बात है जो ईश्वर आपसे करना चाहता है। कुछ लोग बार बार अपने दादाजी को देखते हैं, नाना जी को देखते हैं या दादी को देखते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। गुरुवत यदि सपना में आते हैं तो वो कुछ बोलना चाहते हैं आपसे, ऐसा नहीं कि जो जल गए और मर गए, खत्म हो गए, मिट्टी में दब गए, उनकी अब आत्मा अमर है, अमर है, आत्मा नहीं मरती, वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का एक बहुत बड़ा आत्मा है, उसी के छोटे 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 असंख्य टुकड़े हैं आत्मा के। वो चींटी में भी वही आत्मा है, हाथी में भी वही आत्मा है, हम में भी वही आत्मा है, तितलियों में भी वही आत्मा है, कीड़े में भी वही आत्मा है, सांप में भी वही आत्मा है, वही ईश्वर की आत्मा है। तो ईश्वर तो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। लोग बोलते हैं ना कण कण में भगवान और ईश्वर, तो 24 घंटे हमारे साथ हैं, है ही हमारे साथ। तो ज्योतिष से बात होती है, सपने के बाद दूसरी ज्योतिष से होती है, इसलिए मैं ज्योतिष को पॉपुलराइज करना चाहता था। मैं इसको इस ढंग से पॉपुलराइज करना चाहता था कि यदि मनुष्य के अंदर में देवत्व भाव आ जाए, अच्छे बुरा का भाव आ जाए, तो सुख रहा है, प्यास लग रही है, पता नहीं क्यों। तो मनुष्य में ऐसे ही घृणा की बातें घट जाएंगी। अस्तु, बात हो गई लंबी। मकर संक्रांति 14 तारीख के रात को है, 14 तारीख की रात, अंग्रेजी के हिसाब से वो रात में 15 हो जाएगा। तो 14 तारीख की रात को 2:43 रात है, या आधुनिक भाषा में बोले कि अर्ली मॉर्निंग 02:43 AM, इसमें संक्रांति लग रही है। तो पहला चीज तो हम लोग को संक्रांति के बारे में सब कोई उतना हम लोग समझते नहीं है, और जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। संक्रांति का मतलब होता है, संक्रांति का मतलब ही क्या है, संक्रांति मतलब होता है टू इंटर। जैसे 9 से 10 में गए तो हम लोग बोलते हैं सूरज की संक्रांति हुई 9 से 10 में, राहु 1 से 12 में उल्टे गए तो हम कह सकते हैं कि राहु की संक्रांति हुई मेष से मीन में। संक्रांति माने टू गो, टू मेक ए चेंज, इसको संक्रांति बोलते हैं। सीधे शब्दों में, एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में या खगोलीय भाषा में संक्रांति का मतलब है ग्रहों का एक 30 डिग्री जोन से निकल के दूसरे 30 डिग्री में ढुका जाए, उसको संक्रांति बोलते हैं। सीधे शब्दों में किसी चीज को सीधे अर्थ में लीजिए। और देखिए, साधारण ज्योतिष में ज्योतिष को साधारण भाषा में मैं कहूं, इष्ट बोलते हैं 1 को 5 को 9 को, साउथ बोलते हैं 2 को 6 को 10 को, वेस्ट बोलते हैं 6 को 11 को, ऐसे करके
लेकिन मुंडेन की भाषा में 10 का मतलब होता है, 10 और 11 का मतलब होता है नॉर्थ। तो ये जो डायरेक्शन है, मकर राशि में सूरज गए 9 से 10 में गए, तो उत्तर में गए। 10 माने नॉर्थ, 10 और 11 को नॉर्थ बोलते हैं मुंडेन की भाषा में। तो सूरज कहां गए? उत्तर गए, उत्तर दिशा गए। एक पूरा ऐसे लाइन है, बीच में है, तो उत्तर की तरफ गए, इधर गए तो दक्षिण की तरफ गए, वहां से लौटेंगे तो दक्षिण होगा। तो ये 6-6 महीना होता है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो 3 तक अभी से सूरज चलेंगे, 10 राशि, 11 राशि, 12 राशि, 1 राशि, 2 राशि, 3 राशि तक ये नॉर्थ ही चलते जाएंगे ऐसे सूरज भगवान। फिर वहां से जब लौटेंगे तो अपने जगह से फिर दक्षिण में लौटेंगे। तो कर्क से जो 6 राशियां होंगी, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ये दक्षिण की ओर मुड़ने वाली राशियां होंगी, सूरज भगवान इसे उड़ेंगे। देखिए आज हमने थोड़ा सा जो बनाया है, इसमें हमने पृथ्वी नहीं बना करके सूरज बनाया है। सूरज सेंटर में है, इसके चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं। ये सेंटर है सूरज भगवान, इसके चारों ओर ही तो सारे ग्रह घूमेंगे ना। सूरज भगवान किसी के चारों तरफ नहीं घूमते हैं, सूरज तो स्थिर है, सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। तो सही माने में जिसको हम लोग सूरज बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में जो हम लोग सूरज लिखते हैं, 100% दिस इज अर्थ, पृथ्वी। तो अब देखिए कि मकर राशि में प्रवेश हुआ 14 के रात 15 को 2:00 के, 14 के रात अंग्रेजों के हिसाब से 15 हो गया 12 बजे के बाद, 2:43 में हुआ। तो दिल्ली की हमने कुंडली बनाई, तो उस दिन देखा कि नक्षत्र सतभिसा था और रात में था। तो रात को जो संक्रांति होती है उसको घोर बोलते हैं, घोरा, घोर, अशुभ। जो 12 संक्रांतियां होती है ना, सबके अलग अलग नाम है। तो ये जो संक्रांति सूरज भगवान की हुई वो रात में हुई, और दिन रविवार था, रविवार का दिन था, रात्रि में हुआ। तो ये घोर, अघोर या घोर या घोरा जो बोलिए, अशुभ, अशुभ संक्रांति। और ये उत्तरायण पथ में भगवान चलते रहेंगे 6 महीना तक। तो ये जो सूरज किसी के लिए अच्छे होंगे, किसी के बुरे होंगे, जो भी होंगे, ये 1 पैसा दें या 10 पैसा दें या 50 पैसा दें या 100 पैसा दें, या तो धनु राशि में जब तक रहेंगे तब तक कुछ रिजल्ट दे देंगे, नहीं तो फिर 6 महीने तक ये कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ दुख। उत्तरायण की ओर जा रहे हैं 6 महीने, तो सुख दुख जो देना होगा सूरज भगवान 6 महीने तक दे सकते हैं, और नहीं तो 10 नंबर में ही जो देना होगा बहुत कुछ दे देंगे। लेकिन मेरे विचार से एस्ट्रोलॉजिकली ये संक्रांति का फल सूरज का 6 महीने तक लागू रहता है। जैसे एक बच्चा जन्म लिया, जितने बजकर के जितने मिनट में उसमें की कुंडली बनाई,
ठीक उसी तरह से संक्रांति जिस समय हुआ, सूरज भगवान जिस समय चेंज किए, उसकी एक कुंडली बना ली, वो ये है। तो हमारी आयु 120 वर्ष की है, मनुष्यों की आयु। तो हमारा जो हम कुंडली बनाए तो 120 वर्ष के लिए लागू है, 90 वर्ष के लिए लागू है, जब तक जिएगा तब तक लागू है। उसी तरह से कम सूरज भगवान जब उत्तर पथगामी रहेंगे, उत्तर पथगामी रहेंगे, तब तक तो कुछ न कुछ तो इसका रिजल्ट होगा। सोचिए इस बात को। ज्ञानेश बाबा उनको थोड़ा पानी दे देंगे, बहुत प्यास लग रही है। उसी संक्रांति के मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। पहले तो देख लीजिए ये सद्दिशा नक्षत्र था, तो सद्दिशा नक्षत्र का डिटेल क्या है वो मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिए, मैं लिखा रहा हूँ। सॉरी थोड़ा इंट्रो करो। Upgrade your old high pressure sodium fixtures to LED. देखिए, इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि राहु के नक्षत्र बड़े हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, और देश देशांतर में फर्क अलग पड़ जा रहा है। देखिए, एक समय बाढ़ आया तो पूरे देश में बाढ़ आ गई, किसी देश को अधिक कष्ट दिया, किसी को कम दिया, बर्फ गिर रही है तो चारों ओर, तो कुंडली में तो उसकी झलक होनी चाहिए ना। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर में सारे फर्क होते हैं, देश देशांतर में बहुत सारे रिजल्ट फर्क हो जाते हैं। कुछ कॉस्मिक रिजल्ट जो है वो फर्क हो जाते हैं। अभी तात्कालिक समय में सूर्य भगवान जब आद्रा नक्षत्र में डूबते हैं तो वर्षा शुरू होती है, और सद्दिशा में जब आते हैं तो वर्षा बंद ही हो जाती है। तो पर्यावरण को ये बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है, राहु के जो नक्षत्र हैं ये पर्यावरण को बहुत नजदीक से कोरिलेट करते हैं।
और जीवन पर भी वैसे ही असर डालते हैं। सुख से दुख, दुख से सुख कहीं भी बांट देते हैं ये भगवान। तो सद्विशा नक्षत्र के बारे में एक जान नहीं रहे होंगे, शत माने 100, विशा मीन्स डॉक्टर, सत मीन्स 100, विशा मीन्स डॉक्टर, सो 100 डॉक्टर्स। क्या है सद्विशा नक्षत्र का जो जोन है आकाश में, उसमें 100 तारे हैं, 100 स्टार्स हैं, एंड ऑल द स्टार्स आर वेरी वेरी ऑस्पिशियस फॉर ह्यूमन बीइंग और द एनिमल और द क्रिएशन। लेकिन क्लासिफिकेशन के हिसाब से ब्रह्मा जी ने इसको राक्षस बनाया, राक्षस नेचर का बनाया इनको, कल्याणकारी बनाया लेकिन राक्षस के जोन में डाला इनको। और इनका मेन मोटिवेशन कोई नक्षत्र हस्त है, मकर है, तो ये जल का मेन चीज है, ये मुख्य आधार इसका जल है। उसी तरह से सत्विशा का जो मुख्य आधार है वो धर्म है, राहु है, राहु के स्टार है, लेकिन ये धर्म है, इसका मेन मोटिवेशन है आत्मा की उन्नति, धर्म, ईश्वर, गॉड। बड़ी अचरज की बात है, कितना गूढ़ से ऋषियों ने एक एक तारा को पहचाना, एनालाइज किया, कितने वर्ष लगे होंगे, कैसे लगे होंगे, कैसे किया ईश्वर जाने, अलग ज्ञान है वो। इसलिए हमने कहा कि वो दिव्य चक्षु है और दिव्य ज्ञान था उनके पास, और कौन से ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान। तो मैं संक्षेप में बहुत लंबा समय आज ले रहा हूँ, सॉरी। लेकिन जब ये नक्षत्र होता है तो मनुष्य को ट्रूथफुल, सच्चा, अच्छा और शिक्षा में इंटरेस्ट, धर्म में इंटरेस्ट। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स का, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका अपना नक्षत्र ये सद्भिषा होगा या राहु का नक्षत्र होता है, एंड दे आर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स, मेरा नहीं है। तो जो लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो डॉक्टर बन सकते हैं, हीलर्स बन सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, और क्लर्क का काम कर सकते हैं, इंजीनियर का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियंस हो सकते हैं, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन बनाने की क्षमता होती है, ज्ञान अधिक होता है। दे आर रियली वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, यदि उस पर गुरु की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो सोने में सुहागा। और हेल्थ इशू में अर्थराइटिस होती है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हाइपरटेंशन होता है, पैरों में कष्ट होती है, जॉब्स में प्रॉब्लम होते हैं, और थोड़े से बोन में भी तकलीफ होते हैं, बहुत है, लेकिन संक्षेप में आपको बोल रहा हूं। तो करना क्या है कि अब ये तो स्थिति थी, तुला लग्न था, और जो चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा मकर में चंद्रमा, तो पहले तो मोटा मोटी हम इसको बना लिया, राहु, राहु के बाद नेक्स्ट गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये 9 ग्रह को हमने इंटरनल सर्किल के भीतर में लिख लिया, और राहु के ऊपर में जन्म लिखा, और इधर से शुरू किया, जन्म मंगल पर संपत लिखा, चंद्रमा में विपद लिखा,
सूरज ने छेवा लिखा, प्रत्यारी साधक बाधक मित्र परम मित्र। नाउ आई एम रेडी फॉर प्रेडिक्शन। अब रेडी फॉर प्रेडिक्शन में हमको थोड़ा इधर भी नजर रखनी होगी, कारण कि ये रिजल्ट हो सकता है 6 महीने तक कुछ न कुछ नहीं कुछ तो थोड़ा थोड़ा कुछ तो मिल सकता है। तो जो अच्छे हैं उनके लिए तो वाह वाह, लेकिन जो जिनका थोड़ा सा कमजोर होगा उनको थोड़ा ध्यान देने की बात है। जन्म तारा को हमेशा हम लोग निगेटिव मानते हैं, अनलेस अदरवाइज चंद्रमा के साथ शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या अच्छे हाउस में हो, अदरवाइज जन्म नक्षत्र को हम लोग न्यूट्रल में रखते हैं, निगेटिव साइड में, शरीर में कष्ट हो सकता है। तो राहु के 3 नक्षत्र वाले आद्रा स्वाति सद्विशा, सामान्यतः आज आपका दिन न तो अच्छा है न तो बुरा है, लेकिन हाँ आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि अगले 6 महीने तक इन्फेक्शन से बचिए, विष से बचिए, पॉइजन से बचिए, शराब से बचिए, मुंह में ऐसी चीजों को मत खाइए जो आपको कैंसर दे दें, पान पराग और जर्दे ये सब चीज सात्विक भोजन में नहीं आते हैं। इसके बाद मंगल के नक्षत्र हैं, संपत्ति तारा में आ गए। जन्म के बाद ये संपन्न चित्रा धनिष्ठा वृक्षर आपका समय अच्छा है, कुछ पा सकते हैं, चाहे ज्ञान ही पाए शिक्षा ही पाए, लेकिन कुछ आपके मन चित्त बुद्धि शरीर में कुछ तो मिलेगा, आंतरिक और बाह्य में कुछ धन मिल सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, संभावना है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है आपके लिए समय अच्छा नहीं है, संभल करके रहिए, विपत्ति को मत आने दीजिए, परचेज मत कीजिए, खरीद करके इसका मौका झंझट कर लिया किसी से। चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं श्रवण हस्त रोहिणी, सावधान रहिए, बुद्धि का उपयोग कीजिए और ईश्वर का ध्यान कीजिए। ईश्वर मैंने कहा ना, ईश्वर ध्यान करने में पहले तो आपके इष्ट देव हो गए, कुल देवता या कुल देवी हो गई और नवग्रह की पूजा हो गई, 3 तरह से पूजा जरूर करें। सूरज 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, दिन आपका बढ़िया है। सूरज माने सरकार, सूरज माने गवर्नमेंट, सूरज माने आपके यश कीर्ति, सूरज माने आपके बोन्स, सब कुछ ठीक दिख रहा है, हेल्थ भी ठीक दिख रहा है। शुक्र ये प्रत्यारी तारा में है, शुक्र माने फीमेल, शुक्र माने वाइफ, शुक्र माने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, शुक्र माने परिवहन, रोड कार गाड़ी जहाज हवाई जहाज साइकिल कुछ भी ले लीजिए, और फीमेल एज है होल, तो कभी कहीं किसी भी हालत में औरतों के साथ मत उलझिए, चाहे आपके श्रीमती जी हों या माता जी हों या बहन जी हों, मत उलझिए, शांति से कूल ब्रेन से एडवाइस कीजिए यदि आपकी एडवाइस की जरूरत है, नहीं तो खामोखा एडवाइस मत दीजिए।
केतु के तीन नक्षत्र अश्विनी मघा मूल ठीक है, शुभ है। जो लोग धार्मिक नेचर के हैं, जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, जो ईश्वर का संधान कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया समय है। यू आर गोइंग वन स्टेप अहेड नियर टू गॉड्स टेम्पल, योर गॉड्स हाउस, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, ये जो केतु हैं, आप देखिए कन्या राशि में है, छः नंबर में, छः नंबर कमर को बोलते हैं, वहाँ चोट ना आने पाए, छः नंबर में चोट नहीं है। ऐसे झुकेंगे ना तो कमर के पास की जो हड्डियाँ हैं और रीढ़ की हड्डियाँ में तनाव आ जाता है, स्ट्रेचर हो जाता है। तो यदि कुछ हो गया कमर में या रीढ़ के तीन हड्डियों में, लास्ट वाले तीन हड्डियों में, तो बड़ा कष्ट होगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। उतनी सावधानी तो रखना होगा। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है ईश्वर ने जो बनाया है उसमें लाभ और हानि दोनों ना हो, दोनों होती है, लाभ या हानि। बुध के तीन नक्षत्र बाधक तारा में पड़ गए। बुध बोलते हैं बोली, झगड़िए मत। बुध बोलते हैं राइटिंग, एग्रीमेंट वगैरह में तब तक साइन मत कीजिए, कोई बड़े कागज में तब तक साइन नहीं कीजिए जब तक आवश्यक ना हो, और अपने से समझ करके, दूसरों से समझ करके, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर हो तो सलाह लेकर के काम कीजिए। जो व्यक्ति इस विषय को जानते हैं, भले आपके क्लर्क हों या आपके जूनियर हों, आप सलाह ले सकते हैं। सब चेक करना है। बुध के तीन नक्षत्र हुए आश्लेषा ज्येष्ठ रेवति, शनि मित्र तारा में आ गए। शनि के तीन नक्षत्र पोषण और राधा उत्तरा भाद्रा, आपके लिए समय लगभग छः महीना का, जब तक उत्तरायण सूरज भगवान रहेंगे, सबके लिए बोल रहा हूँ, लगभग सही रहेंगे। और गुरु के तीन नक्षत्र पुनर्वशु उत्तरा भद्र, और एक नक्षत्र और है, गुरु के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए बहुत बढ़िया समय है, उपयोग कीजिए, उपयोग कर लीजिए। लेकिन सावधानी रखिएगा, जिनको मैं सावधानी बोल रहा हूँ, सावधानी रखिएगा, कारण कि अभी से छः महीने तक के अंदर में जब भी आपकी दशा अंतरदशा अष्टमेश चलने लगे या तृतीयेश चलने लगे या एकादश की अंतरदशा चल रही हो, षष्ठेश की चल रही हो, उसमें भी अंतरदशा में भी गड़बड़ हो दशा अंतरदशा में, तो ध्यान रखिएगा जरा। एक जनरल जो एस्ट्रोलॉजिकल भाव है वो ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें मैं आपको बोलूंगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और ग्रहों के बारे में, नक्षत्र के बारे में बहुत जानने की जरूरत है। मैं कह दूं कि अभी शनि 11 में है, मूल त्रिकोण में है, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, तो क्या अच्छे हैं, बहुत अच्छे माने क्या अच्छे हैं, क्या क्या जल देंगे? शनि तो पहले 11 नंबर का जल देंगे, कुंभ का, खाली घड़ा जिसमें हवा भरा हुआ और जो हाइट को दिखाई दे रहा है, एक। फिर दूसरा नवांश का रिजल्ट देंगे, आपके दशमांश का रिजल्ट देंगे, जॉब का नवांश है दंपत्य सुख का, फिर आपके कर्म की क्या स्थिति है, फिर नक्षत्र जिसके ये नक्षत्र हैं, नक्षत्र के लॉर्ड हैं कुंभ, उस नक्षत्र का भी रिजल्ट देंगे,
और उस नक्षत्र के अधिपति यदि कष्ट में है तो वो भी आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। नक्षत्र का रिजल्ट का मतलब ही होता है नवाज। तो इतने रिजल्ट जब देने लगेंगे तो साल व्यवसाय तो लग ही जाएगा। जितने लोगों की दृष्टि पड़ी है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसके साथ हैं उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ये दो हाउस के मालिक हैं ये शनि 211 के, तो केंद्र के हैं तो शनि शुभ हो गए, फिर ये 11 में आ गए शनि। माने मैं मकर संक्रांति के बाद बोल रहा हूँ, मकर संक्रांति में शनि त्रिकोण में है और केंद्र के मालिक हो गए, तो फिर केंद्र का रिजल्ट नहीं देकर के त्रिकोण का रिजल्ट देंगे, त्रिकोण का रिजल्ट देंगे तो शनि शुभ रिजल्ट देंगे। तो शनि का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। शनि वाले इनको शनि थोड़ा भी फेवर कर रहे हैं तो बहुत फेवर करेंगे, तो इतना तो हम लोग को समझना पड़ेगा। नक्षत्र भी समझना पड़ेगा, नवांश भी समझना पड़ेगा, नवांश कुंडली समझनी पड़ेगी, दशमांश कुंडली समझना पड़ेगा। और जैसे ये कुंभ राशि में है तो ये पहले किसका रिजल्ट देंगे, अपने राशि का रिजल्ट देंगे पहले, या अपने हाउस का रिजल्ट देंगे, या नक्षत्र का देंगे, या नवांश का देंगे, हमने ये बताया नहीं है। दशा अंतरदशा फल कैसे कही जाती है बताया नहीं है। आप पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन इसमें बहुत सारे रूल हैं, 100 से ऊपर तो रूल हैं। तो यदि एक एक रूल और एक एग्जांपल लेके समझाने लगूं तो 100 दिन तो इसी में चला जाएगा, साल का एक तिहाई हिस्सा तो इसी में चला जाएगा। तो कुछ अपने से भी पढ़िए ना। तो ये नक्षत्र के हिसाब से संक्रांति का समझ लीजिए। अब मैं थोड़ा कुछ दूसरी चीज बोलना चाहता हूं कि देखिए अभी शादी ब्याह का समय शुरू हो गया और इस बीच में कुछ कुंडलियां आई थी मेरे पास, तो वो कुंडली गुणा के हिसाब से 26 गुना मैच करती थी, मंगला मंगली भी ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी चूंकि वो मेरे बहुत अंतरंग थे तो हमने कहा कि शादी मत कीजिए, नहीं बनती है। लेकिन सज्जन जानते थे तो उन्होंने पूछा कि नहीं तो मंगला मंगली मिल रहा है, गुणा भी तो अच्छा है, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, कुछ कारण बताएंगे। उनका कारण बोलना नहीं चाहता हूँ, कारण कि किसी की भी कुंडली हो बेटी या बेटा का, कि वो तो किसी के है ना बेटा बेटी, मैं उनके पीठ के पीछे क्या बात बोलूँ। पीठ के पीछे यदि कुछ बात बोलता हूँ तो ये बहुत बड़ी धूर्तता और बदमाशी होगी मेरी। किसी के पिता या किसी के पुत्री से तो मैंने कोई इजाज़त तो लिया नहीं और आपने इजाज़त तो दिखाया नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकता हूँ, बहुत बड़ी हानि की बात हो जाएगी। उसी से रिलेटेड कुछ बात मैं बताना चाहता हूँ। ऐसे मान लिया सूरज है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ मंगल है और यहाँ शनि है, तो चारों केंद्र में पापक ग्रह है। या चंद्रमा को छोड़ दीजिए, चंद्रमा कभी पापक ग्रह होता है कभी शुभ ग्रह होता है,
लेकिन ये सारे ग्रह तो अनुकूल नहीं है। सूरज में गर्मी है, शनि पाप ग्रह में आते हैं, मंगल में गर्मी है। तो जब भी केंद्र में ऐसी स्थिति बने और आपके पास कुंडली आती है मैच कराने की, तो बहुत पोलाइटली बोल दिए कि मैच नहीं कर रहा है। उसका कारण है कि ऐसे लोग आजकल की भाषा में दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं या दिव्यांग, ये सत्य अनुभव के साथ बोलता हूं। और हमने 2-3 जिंदगियां बचाई हैं ऐसे। मैंने 2-3 जिंदगियां बचाई हैं ऐसे। इवन सिर्फ 2 ग्रह कोई भी लग्न हो, 1 से 12 कोई भी लग्न हो, मान ली यहां सूरज है और यहां चंद्रमा है, तो आज न कल कभी न कभी दिव्यांग हो जाएंगे वो, कुछ झंझट तो हो ही जाएंगे। ऐसी स्थिति बनती है। और मैं जो बोल रहा हूं कि मैंने 2 जिंदगियां बचाई हैं, और कैसे दिव्यांग हैं, तो यदि लग्न 10 डिग्री है तो ये जोन आएगा। यहां से नाभि तक 20 डिग्री है और 20 डिग्री है ये नाभि तक, तो ये जोन इफेक्टिव रहता है। इसके बारे में कुछ डिटेल रहती है। यदि केंद्र में पापक ग्रह हो या इवन चंद्रमा और सूरज केंद्र में ही हो, तब भी आपको देखना पड़ेगा। और यहां से 30 डिग्री तक यहां आएगा, ये 3 जोन होता है। तो ये तीनों चीज आपको दृष्कान कुंडली सीखे, दृष्कान कुंडली पढ़िए, थोड़ा उस पर समय दीजिए। 1 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा। पढ़िए और चेक कीजिए, पढ़िए चेक कीजिए, अपने ही कुंडली में चेक कीजिए, पापा के कुंडली में चेक कीजिए, मम्मी के कुंडली में चेक कीजिए। अभी तक तो कुछ कष्ट हो गया होगा, रोग हो गया होगा, जैसे मेरे पैर के अंगूठे, दोनों अंगूठे कटे हुए, मेरे कुंडली में चेक करना
20 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर की बात आ गई। तो जो ग्रह 20 डिग्री से 30 डिग्री के जोन में हैं, या खुद लग्न नहीं होने पर भी उसी जोन में पड़े हुए हैं और दो तीन ग्रह उस जोन के हैं, तो पैर की बात आ जाएगी। थोड़ा स्टडी कीजिए ना, मिलाइए, देखिए कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कारण कि इतने दिन तक तो थ्योरेटिकल ही बात में बोलता चला रहा था, आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो व्यवहारिक पक्ष से जो सीखने की आवश्यकता पड़ती है। किसी के भी कुंडली में अब ये तो आप खुद हैं, अब यहां पर राहु हो, ये आपकी पत्नी है, यहां राहु हो तो क्या है धोखा? यहां हो तो इनके पत्नी खुद को धोखा, यहां हो तो पत्नी को धोखा, राहु वाले कुंडली को आप सब कुछ बढ़िया देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सज्जन लेके आए हैं आपके पास उनको बोलिए कि ठीक है, गुना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और ये राहु अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तो सब कुछ को गणित पर मत छोड़ दीजिए, रियली वेरीफाई तो कर लीजिए जा करके, यदि आपको जचता है कि कुंडली अच्छा है, लड़का अच्छा है तो। करण की इनका काम तो पहला काम है धोखा, फिर है छल, फिर है झूठ। तो ये तो प्रवृत्ति या तो लड़के में रहेगी या लड़की में रहेगी। अब ये बताइए, जिसकी कुंडली लेकर के कोई आए हैं तो मैं कहूं कि ये लड़का तो धोखेबाज है, छल कपट करता है, इसके चरित्र के बारे में कहना मुश्किल है, तो मैंने तो ठप्पा लगा दिया ना, गलत होगा। एस्ट्रोलॉजर का ये काम नहीं है कि किसी को बदनाम करें, एस्ट्रोलॉजी का काम है कि पोलाइटली जो मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से ये बच्चा और बच्ची एक साथ नहीं पूरी जीवन जी, लोग कोर्ट कचहरी में भी दौड़ने लगेंगे। डोंट स्पेसिफाई ए बॉय एंड डोंट स्पेसिफाई ए गर्ल, ये नीति निर्धारण के खिलाफ होगा। और मैं सच्ची बात बोलता हूँ, बहुत मेहनत से मैंने वो किताब लिखी है, बहुत मेहनत से, हमने 2 साल लगाया उस किताब को ढूंढने में, इधर करने से अभी भी लगता है कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी और उसमें और ऐड, अब वो संभव नहीं कि फिर से ऐड करूँ उसमें, और उतने पैसे नहीं है मेरे पास। लेकिन जो किताब लिखी है डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्स दोसा, कुछ दम है उसमें, मेरी किताब है, मैं ही प्रशंसा कर रहा हूँ, कारण कि उसमें दम है कि बहुत सारी जिंदगियों को ये बचा सकती है मेरी किताब। इस किताब को ही गार्जियन मान लीजिए ना, इसी को मेरी आत्मा समझ लीजिए उसमें है। इंग्लिश में है,
हिंदी में भी नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने जीवित जीवन में नहीं कर पाऊंगा, सामर्थ्य नहीं है। लेकिन किन्हीं के पास हो तो जरूरत हो तो मांग लीजिए, यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है करने का, दाम तो कुछ है। यह किताब खरीद के किसी लाइब्रेरी में रखवा दीजिए, सबके काम आ जाएगी। तो अधिकांश लोग सुखी होते हैं, अपने घर में सुखी हैं, माता पिता के साथ उछलते कूदते हैं, मस्ती में जी रहे हैं। लेकिन जैसे मैरिज किया, जिंदगी एकदम पलट जाती है, या तो अच्छे या तो बुरे। और यहीं पर एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है, यहीं पर सात्विक ब्राह्मण की जरूरत है, निर्लोभी ब्राह्मण की जरूरत है, छल कपट से रहित जो ब्राह्मण है उसी के अंदर ही तो ब्राह्मणत्व आएगा, दूसरे नहीं पोजेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पीपल गाछ में भूत है, पीपल गाछ में ब्रह्म भी है, डरिए मत। मच्छर काटता है, मलेरिया फैलाता है, अच्छे कैसा हुआ, सृष्टि का निर्माण है, भगवान ने उसको भी निर्माण किया। हाँ, जब ईश्वर को मलेरिया देना रहता है, कुछ मास डिस्ट्रक्शन करने रहते हैं कि इतने लोगों की मृत्यु चाहिए, ये लोग का जिंदगी ओवर हो गया, तो ऐसे ही करते हैं। कोविड आ गया, युद्ध आ गया, प्लेन दुर्घटना हो गई, जहाज सिंक कर गया, यह आपत्ति विपत्ति प्राकृतिक उपद्रव ईश्वर के द्वारा निर्मित है, उनके द्वारा प्रवाहित है। आप देखिए, हवा से किसी को डर लगता है? हवा तो आपको चाहिए, लेकिन यही अभा हवा आंधी बन जाती है, तूफान बन जाती है, इसके वेग बहुत हो जाते हैं। तो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की अभी क्या हालत हो रही है? वायु वेग के कारण स्थितियां एकदम, जनजीवन दुखी हो गया है। बर्फ के बाद भी रूस इतने महान बलवान और बुद्धिमान, वो भी परेशान है इससे। और अभी के समय में एक ही दुर्बुद्धि है, मैं कैसा ऐसा यंत्र बनाऊं कि सारे लोग मारे जाएं, परमाणु और उससे भी ऊपर और उससे भी ऊपर शक्तिशाली। हे भगवान, हो क्या गया है लोगों को? जीवन देने की शक्ति नहीं बना सकते हैं कि रोग ना हो, कष्ट ना हो, बीमारी ना हो? जब तक जिए, जावत जिए, तब तक सुखी जिए, आनंद से जिए, उसकी कोई इच्छा नहीं है। दुख लगता है तो थोड़ा सा, पता नहीं आज सिर चक्कर दे रहा है, इसलिए मैं अधिक नहीं बोल पा रहा हूँ। आज सोचा था कुछ बात करूँगा, विशेष बात तो और भी करूँगा मैं। तो किसी और दिन के लिए रखता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल ही, अपनी बात नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल ही बात करना चाहता हूँ। और छोटे मोटे टिप्स देना, जो मेन चीज़ हमने बता दिया, लेकिन छोटे मोटे टिप्स देना चाहता हूँ, जो व्यवहारिक टिप्स हैं, अत्यंत व्यवहारिक टिप्स है। अब जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में, ये बहुत कॉमन है, ये मान लीजिए चंद्रमा है और मंगल है, ये बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है, चंद्र मंगल बहुत कॉमन, और ये पॉजिटिव है, धन देता है, प्रभाव देता है, प्रभावशाली बनाता है, ज्ञान देता है, उसके अंदर में दृढ़ता रहती है, भूमि सुख देते हैं, मातृ सुख देते हैं, सुख सुख। लेकिन यही मंगल एक तो चंद्रमा के साथ है, फिर भी यदि यही मंगल शुक्र के साथ हो
कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ यहाँ कहीं भी हो, तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। किसी की भी कुंडली हो, यदि आपका बच्चा छोटा है, 2 साल 4 साल 5 साल का है, तो आपको इस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि कब ये लड़कियों के प्रति आकर्षित होकर के शिक्षा विहीन हो जाए, या जैसे जैसे बड़ा होता जाए इसके अंदर में सेक्स की भावना उदलती रहेगी। इसमें सेक्स काम काम वासना ये बड़ा बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है। जो एस्ट्रोलॉजर है वो देखेंगे बहुत जगह ये है, इवन साधु संत की कुंडली में भी है ये। तो आप सोचिए कि उनको साधु बनने में, संत बनने में कितनी कठिनाई हुई होगी, कितना ज्यादा उन्होंने अपने मन की बुरी भावनाओं को, अपनी आंखों को, अपने को कितना संयत किया होगा, कितना निर्ममता से इन्होंने कठोर किया, और कितनी शक्ति के साथ ईश्वर के साथ जुड़ करके इन्होंने इस पर विजय पाया। कारण कि भगवान शंकर भी पार नहीं कर पाए थे, कामदेव ने उनको भी ध्वस्त कर दिया था, इनके भी विचारों को, इनकी तपस्या तोड़ दिया, जब उनकी तपस्या से आँख खुली, देखा कामदेव है तो क्रोधित होकर के उसको भस्म कर दिया। तो भगवान भी विचलित हो गए। तो ये शारीरिक दुर्बलता है और नेचुरल चीज है जो भगवान बनाते हैं, लेकिन यदि इस कुंडली में हो तो थोड़ा जरूर ध्यान दीजिएगा। यदि ये कुंडली, ये शुक्र मंगल यहाँ है तो बहुत खराब है। शुक्र मंगल यदि यहाँ पर है तो उसमें काम वासना इतनी अधिक हो जाएगी कि वो मृत्यु तक किसी का ले सकता है, दे सकता है, अपने को कर सकता है। किसी की शुक्र और मंगल यहाँ है, सॉरी शुक्र और मंगल यहाँ है तो उसको लंपट बनने में कोई देर नहीं लगेगी, मुश्किल हो जाएगा। और यदि दुर्भाग्य से यहाँ पर कन्या राशि है, मिथुन राशि है, तुला राशि है, उन्हें स्त्रिया राशि है, मेल फीमेल होते हैं ना राशि, एलिमेंट्री सब्जेक्ट है ये, नक्षत्र कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, राशियाँ कौन पुरुष है, सब एलिमेंट्री नॉलेज है, प्रारंभिक किताबें मिल जाएगा। तो फिर इस बच्चे को भी तो रोकना बड़ा कठिन बात हो गया। कलयुग के बारे में पढ़ा था, सुना था, मातृयोनिश्च परितज्य सर्वयोनिश्च ग्राह्यते, माने इतना पतन हो जाएगा मनुष्य का कि मर्यादा विहीन हो जाएगा अपने घर में ही। मैं इन सब चीजों के विषय में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी था, लोग हम पर विश्वास करते थे, बहुत सारी घटनाएं घट गई तो लोग आते थे हमारे पास, और मेरी डायरी में ऐसे बहुत सारे लिखे हुए भी हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम पता नहीं। ग्रहों का सिचुएशन हमने लिखा था कि ये प्रॉब्लम सिचुएशन ग्रह की ये, और ये कंडीशंस में इतने में लोग आए थे मेरे पास। इसलिए जब मैं बोलता हूँ ना, A4 में जो नए एस्ट्रोलॉजर हैं, लिखते जाइए, बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम। मैं अभी भी अपने ही लिखे हुए बहुत सारे नोट्स को अभी भी पढ़ता रहता,
तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं और कॉमन चीज़ें जो होती हैं बहुत गलत हो जाती हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अरे बच्चा है, अरे लड़का है, ठीक है, क्या करना है, आजकल का समय ऐसा हो गया है। लेकिन कैसे भी ईश्वर को तो अपने घर में लाइए तो बहुत परिवर्तन हो जाएगा। ईश्वर को अपने घर में लाइए, ये जो टीवी में इन लोग का जो प्रचार हो रहा है उस पर मत जाइए। जब कभी भी ईश्वर के बारे में कोई भी नेगेटिव बोलता हो तो कान बंद कर लीजिए और जरूर कहिए आई वर्शिप द गॉड हुम आई बिलीव। प्लीज यू वर्शिप द गॉड और यू डोंट वर्शिप द गॉड हुम यू बिलीव और यू नॉट बिलीव, बट प्लीज डोंट डिस्कस इट, प्लीज डोंट डिस्कस, प्लीज डोंट डिस्कस। आज यहीं तक। इति स्वम तेहं दो निनाके जोहार।